दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पे मैं स्केचवेयर स्टूडियो में मूवी जो एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट जिसपे हम पिछले वीडियो में यहाँ तक काम कर चुके थे कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाना है। और यहाँ पे ऑन क्रिएट में हमने मोर ब्लॉक रखे थे जिसे नेविगेशन बार और स्टेटस बार को ट्रांसपेरेंट करना और इसको हाइड करना। उसके बाद हमने होम स्क्रीन में 3 सेकेंड के बाद जाना सीखा था, ठीक है। यानी स्प्लैश स्क्रीन बनाना सीखा था, यहाँ पे मोर ब्लॉक बनाना सीखा था। यूआई डिज़ाइन आपने अभी तक नहीं देखा, वीडियो देख लेना पिछले वीडियो में। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हमने फायरबेस का इस्तेमाल नहीं किया है। फायरबेस यानी कि गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसपे हम अपना रियल टाइम डाटाबेस यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन में शो करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो फायरबेस आईडी कैसे बनाना है आपको अपने एप्लीकेशन के लिए, या आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, या फिर मैं आपको चैनल बताता हूँ, एंड्रॉयड बल्ब और औरा पाती नाम का चैनल है, वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। वीडियो पहले से अवेलेबल है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जब आपका एप्लीकेशन यूजर इस्तेमाल करे तो वो सबसे पहले उसकी एक पहचान हो कि वो कौन सा यूजर है जो आपका एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले पे ध्यान मत देना, ये पुराना एप्लीकेशन है हमने बताया बनाया था जो। उसके बाद यहाँ पे इस पे हम काम कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 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 यूजर आपके एप्लीकेशन में एक्टिविटी करता है वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूजर है। तो इसके लिए आपको फायरबेस आईडी बनाना पड़ेगा और गूगल के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू, देखा होगा आपने किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं या फिर फ़ोन के थ्रू लॉगिन करते हैं नंबर के थ्रू। तो यहाँ पे आप सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी यूजर को अपने एप्लीकेशन में किस तरीके से लॉगिन कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास अगर होगा तभी आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे, तो इससे पहचान होगी कि एप्लीकेशन में यूज़र है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे एक प्रोजेक्ट दूंगा, अभी मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है, बैकअप में मेरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को लेता हूँ, ये किसी भी एप्लीकेशन की मेन स्क्रीन होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं इसको आइकन चेंज कर देता हूँ, गैलरी से ले लेता हूँ फ़ोटो को, वही वाला फ़ोटो है। और इसमें पूरा का पूरा सिस्टम मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे मैं मूवी जो वाला ये एप्लीकेशन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का नाम रख देता हूँ। ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा और इसमें कोई भी इरर नहीं होगा। तो इसकी सारी इरर मतलब ये बहुत पहले ही मैंने बना के रखा था ये प्रोजेक्ट। आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट रहेगा जो मैं आप इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ इसमें, तो आप सबसे पहले इसी तीनों का काम होता है, ठीक है। इसमें तीन तीन एक्टिविटी हैं और मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट आईडी अलग है, यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट सॉरी कंपनी का पैकेज नेम अलग है, ठीक है। तो इसको मैं खोलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्प्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन है। और इवेंट में जाने के बाद ऑन क्रिएट में अगर आपका यूज़र लॉगिन रहेगा पहले से तो प्रोजेक्ट एक्टिविटी में चला जाएगा, और नहीं लॉगिन रहेगा तो लॉगिन साइनअप वाले एक्टिविटी में चला जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे आप लॉगिन साइनअप यूज़र से कैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एक्टिविटी है, लॉगिन साइनअप एक्टिविटी है, बिल्कुल हिंदी में है, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। मैंने मोर ब्लॉक बनाया था, आपको दिखाता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट में चलेंगे, लाइब्रेरी में चलेंगे और फायरबेस में चलेंगे। तो ये मेरे प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन की फायरबेस आईडी है, ठीक है। तो इसको आप गूगल पे सर्च कर लेना या यूट्यूब में जाके कैसे बनाएं आईडी, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं ये प्रोजेक्ट आपको दूंगा तो ये फायरबेस आईडी हटा के दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लॉगिन साइनअप एक्टिविटी है, व्यू में बटन पे क्लिक वगैरह है और कंपोनेंट है यहाँ पे। अगर ऑथ लॉगिन होगा या नया होगा तो पहले उसकी आईडी बनेगी आपकी फायरबेस आईडी पे, अगर पुराना होगा तो लॉगिन कर लेगा और पासवर्ड भूल जाएगा तो रीसेट कर लेगा, ठीक है। यही सब 3 एक्टिविटी है इसमें, और पहले से होगा तो यहाँ पे होम एक्टिविटी में चला जाएगा, सॉरी प्रोजेक्ट एक्टिविटी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बहुत सारा सिस्टम है यहाँ पे प्रोजेक्ट अपलोड करने के लिए, पहले से बना के रखा था लेकिन मुझे आपको समझ में आया। इसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से व्यू में चलता हूँ, यहाँ से इसको मैं प्रोजेक्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। जब मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से तो यहाँ पे एरर शो होगा, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ पे स्क्रीन रखा था, यहाँ पे इवेंट में देखिए प्रोजेक्ट एक्टिविटी रखा था यहाँ पे ऑन क्रिएट में, तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक्टिविटी बना लेता हूँ, यहाँ से व्यू में चल के मेन एक्टिविटी में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक होम नाम की एक्टिविटी बनाते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे टूल बार हाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे
टच कर दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके बाद हमारा लॉगिन मेन एक्टिविटी, लॉगिन एक साइन अप एक्सएमएल, होम एक्सएमएल, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में हमारा जो ब्लॉक खाली था ऑन क्रिएट में, इसको हम यहाँ से फिल कर देंगे, यानी कि जब यूज़र लॉगिन रहेगा पहले से तो होम एक्टिविटी में जाएगा, सॉरी, और नहीं लॉगिन रहेगा तो पहले वो अपना खाता वगैरह बनाएगा तब जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं मेन एक्टिविटी के बाद, चलते हैं लॉगिन साइन अप एक्टिविटी में, ऑन क्रिएट में चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दिया गया है, तो यहाँ पे व्यू में चलते हैं और व्यू वन पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमने एक्टिविटी जोड़ा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कंपोनेंट में चलते हैं। अगर लॉगिन रहेगा पहले से, यूज़र कंप्लीट होगा तो साइन इन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपका होम स्क्रीन में चला जाएगा, नहीं रहेगा तो ये मेन स्क्रीन में ही रहेगा। ओ सॉरी, उसके बाद रीसेट पासवर्ड में आपका पासवर्ड दे देगा, ठीक है। तो होम स्क्रीन, होम एक्टिविटी बनाना है, उसके बाद दो जगह पे आपको ऑन क्रिएट में, मेन एक्टिविटी के ऑन क्रिएट में सेट कर देना है होम स्क्रीन। इधर जब कंप्लीट हो जाए लॉगिन, लॉगिन कंप्लीट हो जाए, इधर साइन यूज़र कंप्लीट हो जाए तो दे देना है यहाँ पे, ठीक है, होम एक्टिविटी। उसके बाद हम बैक कर देंगे। ये प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा, ये प्रोजेक्ट आप हमेशा अपने पास रखिएगा, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब बनाएंगे तो आपको सबसे पहले यूज़र से स्प्लैश स्क्रीन दिखाना है उसको, उसके बाद लॉगिन साइनअप करवाना है, खाता रहेगा उसके पास तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आपको खाता बन जाएगा, उसके बाद रहेगा तो लॉगिन कर लेगा, नहीं वो पासवर्ड भूल जाएगा तो पासवर्ड भी रीसेट कर लेगा, और उसके अलावा वो फिर सब कुछ करने के बाद होम स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन के बाद होम स्क्रीन पे चला जाएगा, फिर ये दोबारा से ओपन नहीं होगा, जो लॉगिन साइनअप वाला सिस्टम है एक ही बार ओपन होगा जब कर लिया रहेगा, जब तक कि डाटा क्लियर नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ से पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे मैं अपना एप्लीकेशन डाटा खोल देता हूँ, ताकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिज़ाइन वगैरह कैसा है इसका। तो ये प्रोजेक्ट जो मैं आपको शेयर करूँगा स्केचवेयर स्टूडियो में ही खोलेगा, नहीं तो स्केचवेयर प्रो में खोलेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन है, इसको मैं ओपन किया तो यहाँ पे ये मेन स्क्रीन दिखा रहा है अभी, उसके बाद यहाँ पे बता रहा है अपना नाम और पासवर्ड दर्ज करें, नया खाता बनाने के लिए बता रहा है, यहाँ पे बता दिखा रहा है खाता पहले से मौजूद है ये, तो ये मैंने डिज़ाइन किया था, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लॉगिन करने के लिए, और यहाँ पे दिखा रहा पासवर्ड भूल गए हैं, और यहाँ पे दिखा रहा है लॉगिन पेज पे जाओ, अगर नया यूज़र रहेगा तो आप, और आपको दिखाना है इसमें स्प्लैश स्क्रीन में स्टेटस बार हाइड कर देना है, नेविगेशन बार हाइड कर देना है, और वहाँ पे इमेज चेंज कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना कोई नाम दे देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, उसके बाद ईमेल दे देता हूँ, कोई भी ईमेल आप दे सकते हैं, ये वेरीफाई नहीं मांगेगा। मैं अगले आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे वेरीफाई करना है ईमेल का, यानी कि कोई फालतू ईमेल से आपके एप्लीकेशन में ना घुस पाए, उसका भी सिस्टम बता दूंगा मैं आपको। तो मूवी एप्लीकेशन सीरीज ख़त्म होते होते सब कुछ बता के जाऊँगा। यहाँ पर मैं दे देता हूँ rateofgmail.com। अगर ये हिंदी में लिखा रहेगा तो अपने आप ही आपके जो फ़ोन में ईमेल आईडी रहेगी सब कुछ ले लेगा, ठीक है। तो इसे मैं हिंदी में लिखा हूँ, तो हिंदी नहीं समझता भाई, आपको पता ही होगा, इधर मैं .com लिख देता हूँ, यहाँ पे dd22@gmail.com। यहाँ पे नया पासवर्ड बनाना है आपको, पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, मैं 12213221 रख देता हूँ, ठीक है, 12213221, ठीक है। इधर नया खाता बनाए पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टोस्ट हो गया, कृपया वेट करें, ठीक है। खाता बन जाएगा तो ये आपका होम स्क्रीन पे चला गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ से मैं बैक करता हूँ, जब मैं एप्लीकेशन को खोलूँगा इस प्लेस स्क्रीन के बाद ये सीधा होम स्क्रीन पे चला जाएगा, क्योंकि आप एक बार लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होम स्क्रीन पे चला गया, और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में फिर से चलता हूँ और व्यू में चलता हूँ, इधर मैं क्या करता हूँ होम स्क्रीन पे एक टेक्स्ट व्यू रख देता हूँ, यहाँ पे ले जाके या बटन रख देता हूँ, तभी आपको पता चल जाएगा कि गया है कि नहीं गया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला, पूरी तरह से मॉडिफाइड करके शेयर करूँगा, इसको आपको स्केचवेयर स्टूडियो में इंपोर्ट कर लेना है, और यूज़र को कैसे वेरीफाई करें कि नया यूज़र है तो एक बार वेरीफाई होगा, ताकि उसको पता चल जाए उसके, देखिए वेरीफाई करने का मतलब होता है जिस आईडी से वो लॉगिन करेगा, जिस ईमेल आईडी से, उसके जीमेल आईडी पे एक वेरीफिकेशन जाएगा मेल, उस पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेगा तो अगर मेल सही डाले रहेगा आपके एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त,
तो उसके वेरिफिकेशन के लिए जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, तो उससे वो वेरीफाई हो जाएगा यूज़र, ठीक है। तो वो सिस्टम मैं अगले अपडेट में बता दूंगा, ठीक है। तो इधर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था, ये प्रोजेक्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसमें सीख सकते हैं कैसे कैसे कोडिंग की गई है, कौन कौन से मोर ब्लॉक रखे गए हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्लेस स्क्रीन के बाद सीधा होम एक्टिविटी में चला जाएगा, यहाँ पे अभी अभी हमने बटन लिया था, ठीक है। तो और मैं अभी दिखाता हूँ, सेव एंड एग्जिट कर दिया। उसके बाद इस पर क्या करता हूँ, मैं होम पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका डाटा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको मैं और बता सकूँ लॉगिन और नया यूज़र और पुराने यूज़र में क्या फ़र्क होता है और पासवर्ड कैसे रीसेट मारा जाता है, ठीक है। इधर मैं मेमोरी खाली करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर मैं फिर से खोलता हूँ एप्लीकेशन को। तो इस फ्लैश स्क्रीन के बाद आपको नेविगेशन और स्टेटस बार हाइड कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिर से वही सिस्टम आ गया है। इधर खाता पहले से मौजूद है, अपना ईमेल दर्ज करें, ठीक है। आपका जो ईमेल अभी हमने डाला था, यहाँ पे क्या डाला था हमने, DD ये डाला था, ठीक है, ये वाला। उसके बाद अपना पासवर्ड, पासवर्ड हमने क्या डाला था, 1221, उसके बाद 3 2 1, शायद यही था। इधर हम लॉगिन कर देंगे, तो यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है, ये लॉगिन हो गया है। अब इस प्लेस स्क्रीन के बाद आपका सीधा होम एक्टिविटी में चला जाएगा, एक ही बार ये मांगेगा, ठीक है। वो लॉगिन साइन अप वाली एक्टिविटी एक ही बार दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेमोरी खाली कर देता हूँ और आप यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, ठीक है। तो नया यूज़र रहेगा तो यहाँ पे सब कुछ डाल के फिल करेगा, नया खाता बना लेगा, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद अगर खाता पहले से मौजूद होगा तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेगा। अगर पासवर्ड भूल गया है तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेगा, ठीक है। तो आप जो भी ईमेल आईडी से यूज़र लॉगिन रहेगा वो ईमेल आईडी डालेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिसेट पासवर्ड कर देगा यहाँ से, कृपया प्रतीक्षा करें। उसके बाद यहाँ पे एक मेल आएगा अभी। तो फायरबेस आईडी आपको ऐसे बनाना है अपने एप्लीकेशन की, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, मैंने चैनल का नाम बता दिया है। और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ईमेल आने तक। तो ईमेल नहीं आएगा क्योंकि हमने फेक आईडी से लॉगिन किया है। यहाँ पे कहाँ चला गया, माउस काम नहीं कर रहा यार, तो काम करने लगा और तो मेल नहीं आएगा क्योंकि हमने जो है फेक आईडी, फेक जीमेल आईडी से इधर लॉगिन किया था, इसलिए रीसेट के लिए लिंक नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अपने आईडी से करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं लॉगिन पेज पे चला जाता हूँ। तो यही सिस्टम था, आप इसको समझ लेना, देख लेना। प्रोजेक्ट मैं अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेना। और इंपोर्ट कैसे करना है आपको पता ही होगा प्रोजेक्ट को। तो और आपके एप्लीकेशन में जीमेल कैसे वेरीफाई करना है, मैं अपडेट करके आपको वो भी प्रोजेक्ट देता रहूँगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप, मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ इस वीडियो को, और आप सीख लेना इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके क्या सिस्टम है इसमें, क्या कैसे किया गया है लॉगिन साइनअप के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, ठीक।